हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। साई, तुम भी गाओ ना। वीडियो बनाओ। हाँ बनाओ। रास्ते 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 चलते चलो, दाएं बाएं मुड़ते रहो। रास्ते रास्ते चलते चलो, दाएं बाएं मुड़ते रहो। ऐसे ही रास्ते कट जाएंगे। पापा, किसका फोन आ रहा है बताओ? हेलो, फोन पे बात मत करो। बोलिए ना सर। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सिग्नल नहीं है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो, हाँ आपको सुनाई दे रहा है सर? नहीं बिजी नहीं हूँ सर, बस फैमिली के साथ घूमने आया था। क्या हुआ सर? कौन सा गाना लगाऊं? कुकू कुकू। पेमेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बताओगे तो हम उसके बेसिस पर सब कुछ फाइनल कर सकते हैं। दो मोटे हाथी चलते दम 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 दम, काले चने खाते दम दम दम। मुझे उम्मीद है आपने पूरा प्लान देख लिया, तो वहाँ के सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास ही है ना? यस सर। या आई विल बी बैक। ओके सर। हाँ सर, अरे क्यों नहीं, हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे सर। चिड़िया उड़ी उड़ के चली, चिड़िया उड़ी उड़ती चली, साथ चले उसके बहुत सारे कबूतर। चिड़िया उड़ी गाना चुने साथ। Yeah!
साई? मॉम, मैं यहाँ हूँ। नहीं है रमा, क्यों डर रही हो? तुम जरा शांत हो जाओ, परेशान मत हो, मैं हूं ना यहां पर, कोई बात नहीं। हां, तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और तुम ये यहां क्यों बैठी हो? आओ चलो उठो, आराम से बैठो। क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों डर रही हो? अरे वहां कुछ भी नहीं है रमा, कोई भी नहीं है। देखो तुम ना पहले, मैं यहां पर हूं ना, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हूँ ना रमा, तुम्हारे पास। हाँ? देखो हम तीनों कार में कहीं जा रहे थे और उसी वक्त तुम्हें कॉल आया और तुम कार से बाहर निकले। ठीक है ठीक है। एक मास्क पहने हुए आदमी ने तुम पर हमला किया। लेकिन देखो अभी मैं सही सलामत हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे लिए। ओके रिलैक्स। There is nothing to worry, Hari. उसे अच्छे से रेस्ट करने दो, she should be okay. मैंने दो पिल्स एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं. In case if you want, just give me a call anytime. ज़्यादा मत सोचो, रमा का ख्याल रखना. Okay, मैं चलता हूँ. कुछ नहीं, तुम आराम करो. तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ ना. रमा. हेलो. दामाजी आप? रमा कहाँ है दामाजी? हाँ बोलिए ना आंटी. वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, क्या हुआ है उसे? नहीं, वो टायर्ड होकर सो गई है। टायर्ड? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, लगता है कल रात उसने कोई बुरा सपना देखा जिससे वो डरी हुई है। बुरा सपना? ये क्या कह रहे हो बेटा, कैसा बुरा सपना? जब हम लोग कार में जा रहे थे तब एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर मुझे मारने लगा और रमा को मारने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत है बस। नहीं दामाजी, 10-15 साल पहले हमारे गांव में कैसा हादसा हुआ था, पर अभी उसे ऐसे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं बेटा? आप ज्यादा मत सोचिए आंटी, उसे बस एक अच्छी रेस्ट चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक, साई कहाँ है?
साई वो क्या कर रहा है? वो तो बाहर खेल रहा है। ठीक है दामा जी, उसका ख्याल रखिएगा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके आंटी। रमा, रमा, हरी, क्या बात है? कुछ नहीं। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ऑफिस जा रहे हो? अब क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा, ठीक है ना? आर यू ओके? और आप सर, स्कूल नहीं जाना है क्या? पापा, मैंने आपको कल ही बताया था ना, भूल गए क्या? आज स्पोर्ट्स डे है पापा। स्पोर्ट्स डे है तो स्कूल में होना चाहिए। तुम घर पे क्या कर रहे हो? पापा, मैं वहाँ बोर हो जाता हूँ। ठीक है रमा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ए, मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है पापा, बाय। ऐसा लग रहा है लिटरली मैं अपने आप को मार रहा हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ। अपना घर भी बदल दिया लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। उनकी शादी से पहले क्या आपने उनकी कुंडली, सही समय, राशि और नक्षत्र की जांच की थी? नहीं पंडित जी, उन दोनों की तो लव मैरिज हुई है इसलिए। हम्म,
इन दोनों राशि वालों को एक दूसरे के पास खड़े भी नहीं होना। इन दोनों की जिंदगी में हर समय खतरा मंडराता रहेगा। अपने कुल देवता की पूजा कर, सिर्फ तुम्हारे कुल देवता ही उन्हें बचा सकते हैं। हाय हरी, बोलो थोड़ा लेफ्ट को घुमाओ, थोड़ा और, बस थोड़ा राइट 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 लो, फिर राइट लो, सर ऐसा एक्सीडेंट पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। अब ज्यादा सोचिए मत सर, आप आराम से घर जाइए। अपना ख्याल रखिएगा सर। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन ये गुस्सा किसी और पे मत निकालना, ठीक है ना? ऑलरेडी हम लोग ऑफिस के काम के लिए परेशान हैं। इस बार मैं घर में बात मत करना, ओके? स्पेशली हेमा से, ओके? हो सकता है तो इवनिंग में आ जा, हम लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन डाल देंगे। ठीक है, टेक केयर। ओके यार। Catch him!
पापा। हरी हरी हाँ? तुम ऑफिस से जल्दी आ गए क्या? मैंने बताया था ना, बस एक छोटी सी मीटिंग थी। वो दरअसल माँ बार बार कॉल कर रही हैं, मुझे पता नहीं कि उनसे क्या कहूँ। तुम बात करोगे? अब फोन कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ। चल रहा है दामाद जी, आप भी मेरा फोन नहीं उठाते हैं और वो भी मेरा फोन नहीं उठा रही है। मैं एक छोटी सी मीटिंग में था, अभी खत्म हुई है। बोलिए ना, क्या हुआ? मैं आप दोनों की कुंडली लेकर पंडित जी को दिखाने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि आप दोनों का समय खराब चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। देखिए आप परेशान मत होइए आंटी, रमा और मैं कुल देवता के मंदिर में जाने का प्लान कर रहे हैं। अरे बेटा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पंडित जी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग कुलदेवता के मंदिर जाएंगे तो परेशानियां कम होंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये रमा के पापा को बताऊंगी। तो आप लोग कब आ रहे हैं? हम 2 दिन में वहां पर आ जाएंगे। यार हरी, तू अभी उस बारे में सोच रहा है क्या? मैं तो बहुत डर गया था भाई। मैंने अपने अंकल से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर तुम कुलदेवता के सामने बलि चढ़ाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहा है? बात तो सही है। मेरी सासू माँ ने भी कहा कि अगर कुलदेवता को बलि चढ़ाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बकरी की बलि देंगे। तू वहां पे होगा ना? यार कैसी बात कर रहा है, मैं कैसे मिस करूंगा। अच्छा तू जा कब रहा है? यार हेमा के पापा ने मुझे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारा काम देकर रखा है, ऊपर से वो साइट वाला काम भी पेंडिंग है। काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। ठीक है, फैमिली को साथ में लेके आना। हाँ यार पक्का लेकर आऊंगा। वैसे रमा कहाँ है? रमा तो अभी घर पे है। हाँ वैसे तू उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी मत बताना। हाँ मैंने उसे कहा है कि कार सर्विस के लिए दी है। हाँ ठीक है, तो फिर चले हम।
भाई वो बस नाम का प्रेसिडेंट है, पर आसपास के गांव वाले और अमीर लोग अभी भी आप ही की बात मानते हैं। ए, इंसान को इज्जतदार बनने से पहले समझदार होना चाहिए। लास्ट इलेक्शन में आपके बोलने पर ही गांव वालों ने उसे वोट दिया था। उसने इस गांव और लोगों के बारे में कभी भी नहीं सोचा है, और अभी इलेक्शन आ रहा है तो वो रोड बनाने का झूठा वादा कर रहा है। ए, वो रोड बनाए या झूठे वादे करे, लेकिन वोट डिसाइड हम ही करेंगे, हम लोग सब संभाल लेंगे। भाई मेरी बात तो सुन। तुम शांत हो जाओ। उसके पोस्टर फाड़ने से या फिर उसके कार के सामने काले झंडे लहराने से कुछ नहीं होगा। हम सही समय पे उसके ऊपर वार करेंगे और उसका हिसाब चुकता करेंगे। क्यों भाई हो, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो जब तक मैं ना बोलूं तुम लोग शांत रहना। अच्छा हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक। सुनी जी, वो लोग आ गए हैं। गणेश जाओ लगेज निकाल लो। नानी। अरे साई। अपने नाना के पास जाओ। नाना जी ये सब देखिए। इतने सारे अवार्ड्स, एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। वैसे क्या क्या गेम्स खेलते हो? माइंड गेम। हाँ। और वो और क्या क्या? रनिंग रेस। आइए दामाजी, मैं सारे गेम्स में फर्स्ट आया हूँ नाना जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माँ क्या पापा हमसे अब तक नाराज हैं? तुम तो उन्हें जानती हो ना, अब छोड़ो उनकी बात। अच्छा बताओ तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि दामाद जी ने सब कुछ बता दिया। क्या बताया? इतना घबरा क्यों रही हो? उन्होंने बताया कि बुरा सपना देखा था तुमने और इसीलिए तुम डर गई थी। अब यहाँ कुलदेवता के दर्शन के लिए आए हो। सुनो। हाँ। हमारी रमा का मेमोरी बॉक्स कहाँ है? इन्हें ये सब अभी ही करना है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वहीं पर रखा होगा कबाट के ऊपर। मेमोरी बॉक्स क्या होता है नाना जी? वहाँ है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कल से तो ये मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। अरे कहाँ रख दिया उसने, अरे बाप रे। अरे पोते को मिलने के बाद देखो इनका चेहरा। इसलिए लोग कहते हैं पोता पोती खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स। सुपर्ब है नाना जी, ये सब मॉम के हैं। हाँ बेटा देखो उसने कितने अवार्ड्स जीते हैं। सच में नाना जी? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा बेटा, ये देखो उसके सारे अवार्ड्स। नाना जी। हाँ। ये क्या है नाना जी? अरे ये तुम्हारी माँ ने एक माइंड शो किया था, पूरे राज्य में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था, उसी समय लिया था उसने। नाना जी क्या मैं ये ले सकता हूँ प्लीज? नहीं बेटा वो हमें डांटेगी। नाना जी प्लीज, नाना जी ये बहुत ही कूल है। हाँ ठीक है ले जाओ। ए? लेकिन उसे मत दिखा। ये बहुत ही मजेदार है नाना जी। पापा क्या कर रहे हो तुम? कहाँ है वो साई? कहाँ चला गया होगा ये रमा? ए क्या हुआ तुझे? जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, जाओ। पता नहीं इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। साई वैसे पुरानी सारी बातों को भूल जाओ दामाद जी। जब उसने अचानक प्यार और शादी के बारे में बताया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो मैं हमारे गांव और जाति धर्म से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए वह लड़ाई और गलतियां हो गई। मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता और मुझे अपने पोते से भी मिलना था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया उसके लिए मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए।
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रमा मेरी लाइफ और आपके बीच, मुझे लगा कि रमा और मेरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो डिसीजन ले लिया था। इसके अलावा मैं कभी आपको कोई दुख नहीं देना चाहता था या आपकी इजाज़त के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। मैं एक पिता के फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे ईगो को साइड में रख के आपसे बात करनी चाहिए थी, बट मैं मेरे जॉब में फंस गया, सो सॉरी अंकल। साई ने इसे खेलने के लिए मांगा था, क्यों क्या हुआ? इस घर में कोई मुझे समझता ही नहीं है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ए, रमा, अरे हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? ए, इधर आ बैठ। उसने तुम्हें मारा क्या? नहीं ना? हे रमा, उसने गलती कर दी, वो बच्चा है बेचारा, और अंकल ने तुम्हें बताया ना। चुप रहो हरी, तुम्हें तो सब पता है ना। ठीक है, मैंने सुना है तुम्हारा गाँव बहुत ही सुंदर है, चलो घुमाओ मुझे। मैं नहीं आऊंगी। ए, अब चलो ना, हमेशा बच्चों की तरह जिद करती हो। चलो चलो मिलते हैं। सुनो, इस वक्त तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, चले जाओ यहाँ से। सुनो, ये लोग गांव के बारे में जाने बिना यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, जाओ जाओ। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने फिर से विंडमिल के पास कुछ देखा है। मुझे भी वहां अकेले जाने में डर लग रहा है सर। आई बी मौन करो। ये मेरा कजन है। बहुत ही इज्जतदार आदमी थे, पर इसकी वजह से सारा नाम मिट्टी में मिल गया। उसकी वजह से उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी, पर ये मस्त मजे में घूम रही है। सर, छोड़िए ना सर। ऐसा नहीं है रामलिंगम, मैं उन्हीं की वजह से पुलिस बना हूं। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूं। कब तक भागेगी? एक न एक दिन पकड़ में आएगी, तब मैं इससे निपटूंगा। शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। आपसी रंजिश की वजह से दो लोगों में हाथापाई हुई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। घटनास्थल पे पुलिस पहुंच के इंक्वायरी कर रही है। मरने वाले का पूरा परिवार सदमे में है। हरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खुश रहूंगी। हमारी शादी के कितने सालों बाद हम गाँव आए हैं ना। मैं बहुत खुश हूँ। लव यू। हे, ये क्या बोल रही हो तुम?
मेरी लाइफ में साई और तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, समझी ना? लव यू टू। शहर में आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिसकी वजह से आम जनता दहशत में है। ऐसे अरे कोई जरूरी फोन होगा, जाओ जाकर अपने पापा को दे दो, तो जाओ जल्दी। बना रहेगा। अरे जाओ। आम जनता से रिक्वेस्ट की है कि बिना काम के 8 बजे के बाद अपने घरों से ना निकले। अरे क्या, संभल कर बेटा, संभल कर। नानी माँ, पापा आनंद अंकल बहुत बार फोन कर रहे हैं, एक बार बात कर लीजिए ना। ऐसी बात बंद कर। देखो, हाँ बोल भाई। अरे सॉरी 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 रियली सॉरी, मीटिंग में था इसलिए मैं तेरा कॉल नहीं उठा पाया यार। हेमा के पापा ने मुझे डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं यार। सॉरी यार, मैंने तेरा अभी मिस्ड कॉल देखा। अरे तो अभी क्यों सॉरी बोल रहा है? अरे यार मेरे साथ ऐसे सीरियस टोन में बात मत करा, मुझे हंसी आती है। अच्छा वैसे तुम लोग कब निकल रहे हो? मैंने तुमको साथ आने के लिए कहा है ना, और तूने कहा था कि हम सब जल्दी पहुंच जाएंगे। आनंद भैया, उससे बात करनी है। हेलो। हाँ रमा बोलो ना। भैया कल हम हमारे गांव के मंदिर में बलि चढ़ा रहे हैं और पूजा भी करने वाले हैं, आपको जरूर आना है, हेमा को भी साथ लाना, ठीक है? हाँ जरूर। हाँ एक और बात बतानी है। दामाद जी और ससुर जी दोस्त बन क्या? गए हैं। एटलीस्ट ये देखने के लिए आ जाओ। वाओ ये सब कब हुआ? खुद ही देख लेना। ठीक है मैं जरूर आऊंगा, तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ मैं? जरा उसको फोन दे। हाँ एक मिनट। ओके मैन, सी यू इन द मॉर्निंग, जल्दी आना। पक्का यार। अच्छा सुन ना। हाँ बोलना। मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलना यार। मेरे अंकल के दोस्त तुझे कुछ पैसे देंगे, वो तू यहाँ लेके आ जाना। अबे हरी, लगता है तू अपने दहेज के पैसे अब उन लोगों से ले रहा है। अबे चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये मेरे ससुर जी के पैसे हैं और वो बोल नहीं पा रहे थे, तो मुझे मेरी सासू माँ ने बताया। ओके वैसे भी तू यहाँ पर आ रहा है ना, तो आते समय लेके आना। ठीक है मैं समझ गया, आऊंगा तो पैसे लेते आऊंगा। अंकल को बोला कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे। अरे जरूर बोलूंगा। ठीक है पहले तो आ तो सही। अरे ठीक है। हाँ ए हरी, कंप्लीट हो जाएगा, आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया हूँ। ये वो क्या क्या हुआ यार, इतने बड़े घर में एक आईना भी नहीं है। जा रहे। ए हेलो, अबे आईना चाहिए मेरे को। ए गणेश, ये पड़ोस से एक आईना मांग कर लाओ ना। आईना? आपको आईना नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए आईना। लेकिन क्यों नहीं देखूं? इस गांव के लोग इतने बुरे हैं क्या कि वो आईना भी नहीं रखते? लेकिन रमा तो दिखने में बहुत खूबसूरत है। ए, जा लेकर आना। नहीं नहीं, आपको आईना नहीं देखना चाहिए, अगर आप आईना देखेंगे तो वो आ जाएगा। आपको आईना नहीं देखना चाहिए। ए, अरे क्या हो गया तुझे? अगर आप आईना देखेंगे तो वो आ जाएगा। देखो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे नाना गुस्सा कर रहे हैं। चलो चलो दरवाजा खोलो, चलो अंदर रखो। चलो अंदर चलो। हाँ आप चलिए। हाँ चलो। भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी बेटी और दामाद जी की जिंदगी में खुशियां भर देना, मेरे पोते को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी देना। दामाद जी, इसे आप ले लीजिए। क्या अंकल, हम इसके लिए नहीं आए। मुझे पता है आपको इन सब चीजों की चाह नहीं है दामाद जी, लेकिन मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अरे मेरी इकलौती बेटी है तो फिर मैं ये सब किसे दूं? मेरे पोते के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर ले लो। ले लो ना, अरे इतना क्या सोचना, ले लीजिए दामाद जी। क्यों अंकल, इसने हमें शर्मिंदा किया और आप सारी जायदाद इसे दे रहे हैं? ऐसा लग नहीं रहा कि तुम यहाँ पूजा करने आए हो, इनकी जायदाद के लालच में आए हो ना? क्यों अरे, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो। ए, क्या है, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। हाँ ए शनमुगन, समझा दो इसे, ये अभी बड़ा हो गया है, वरना मैं इसे समझा देता। ए, भाई से कैसे बात कर रहे हो, इसे माफ कर दो। पापा तुम सब अपनी हद पार कर रहे हो, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। हाँ हाँ आएगा आएगा, अभी जाओ तब मैं बताऊंगा। अरे जाओ ना यहाँ से। अरे क्या बताओगे तुम, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन है? जाओ यहाँ से। सुनो रात के लिए सारी तैयारी कर लो। ठीक है भाई। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने और क्यों ऐसा किया। हाँ ठीक है। एक बार ये काम हो जाने दो, उसके बाद तुम लोग 2-3 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाना। ठीक है।
अच्छा देखो बेटा, मालिक का हमारे गांव में बहुत उत्साह है। हाँ सर। यस सर, बोलिए ना सर। नहीं बिजी तो नहीं हो सर? श्योर सर, हो जाएगा। मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। ओके। हे रमा, 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 यकीन नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर आए, भगवान की पूजा की और मुझे क्लाइंट का कॉल आ गया। तुम्हें याद है ना, मैंने जो तुम्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था? हाँ। वो कोर्ट के लिए रुका हुआ था लेकिन वो राजी हो गए। कल वो लोग आ रहे हैं लिक्विड कैश पे करने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है रमा, लगता है कोई चमत्कार हुआ है। इसलिए तुम्हारी माँ को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम कुल देवता के मंदिर गए और वहाँ पर उनकी पूजा की। सुपर्ब हरी, आज के बाद सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। हम जाएंगे और हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पर इसके लिए आज रात ही जाना पड़ेगा। आज रात को ही? और कोई चॉइस ही नहीं है, आज रात को ही। दामाद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम लोग अभी यहाँ से जा रहे हो? बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था, तो अभी क्लाइंट का कॉल आया है। वो लोग कल पेमेंट करेंगे, मैं वो लेके आ जाऊंगा। तो क्या तुम लोग इतनी रात को जाओगे? ये नहीं हो सकता। बोलो ना पापा, ये हरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके चेहरे की खुशी देखिए, हमें जाना ही होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पर बहस नहीं करेंगे, प्लीज। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। क्या तुम लोग सुबह नहीं जा सकते? अब चलें। हाँ। बाय आंटी। ठीक है। बाय अंकल। हाँ, ध्यान से जाना। ए, शैतानी बिल्कुल नहीं करना। आराम से। बाय पापा। हाँ। बाय नाना जी। बाय बेटा। बाय। अच्छे बच्चों की तरह रहना। जुग जुग जुग। बाय। साही, फाइनली हम हमारे घर जा रहे हैं। तुमने तुम्हारी मम्मी का घर देखा ना, तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। ए, तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे तुम्हारी माँ और उसका गांव दोनों ही पूरा बोरिंग है। हाँ? क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी माँ को बोरिंग बोला और तुम उसे हक कर रहे हो। बहुत चालाक हो। हाँ? तो रोड ही नहीं है। यहाँ पर क्या हाईवे लगता है? ये शॉर्टकट है। अपनी वाइफ के गांव में आया था। हाँ, वो मंदिर में। ये इंटीरियर प्लेस है ना, तो यहाँ सिग्नल अच्छा नहीं है। नॉट एट ऑल सर, मैं कल आ जाऊंगा, मिलकर डिस्कस करते हैं। या ओके सर, श्योर श्योर। साई, हे साई, तुम्हें मार पड़ेगी। यहाँ या ओके सर, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर। क्या भाई,
ऐसा लग रहा है तुम्हारी माँ ने कोई भूत देख लिया हो। हाँ पापा। मॉम अपना फोन दीजिए ना। चुप नहीं बैठ सकते, इरिटेट मत करो मुझे। अरे ठीक है ना, बेचारा मस्ती कर रहा था, हमेशा उस पर गुस्सा होती रहती हो। क्या हुआ, तुम्हें फोन चाहिए ना, ये लो। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, रुको मैं चेक करके आता हूं। जरा फोन देना। फोन दो। क्या हुआ? पंचर हो गया। ए, इतने अंधेरे में बाहर क्यों निकल रही हो? अंदर ही रहो। ठीक है, मैं पापा को फोन करती हूँ। अरे अब इतनी रात को उनको क्यों फोन कर रही हो? उन्होंने कहा था कि अभी मत जाइए, सुन के और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तुम इसका ख्याल रखो, मैं टायर चेंज करता हूँ। केयरफुल हरी। सुनो, आप उस पुलिस वाले का दामाद है ना? जी हाँ। इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टायर पंक्चर हो गया है। जरा क्या कहा, टायर पंक्चर हो गया है? सुनो, ये बहुत खतरनाक जगह है, मुझे यकीन करो, जल्दी से टायर बदल के यहाँ से चले जाओ। और मेरी एक बात और सुनो, जाते वक्त इस रूट से मत जाना, गांव वाले रूट से जाना, अनुभव से बता रहा हूँ। ये वक्त और ये जगह सही नहीं है, जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाना। तो इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं? वो तो पता चल जाए। ओके बाय। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर? यहाँ? रमा। हाँ? रुको रुको, डरो मत, थोड़ा सा पानी दो मुझे। ये लो। तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए, ठीक है? बदमाशी मत किया करो। तुम हर वक्त फोन के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है मम्मी।
क्लिक किए हैं तुमने? प्रणाली अच्छी है ना? मैंने कहा ना फोन के साथ मत खेला करो। देखो कितना बदमाश हो गया ये फोन, इसके लिए सब कुछ है। सीट बेल्ट पहन लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, पहनो ना। हो गया तुम्हारा या और देखना है? हो गया। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। क्या हुआ हरी? तुमने सीट बेल्ट तो पहना है ना? हाँ, कितनी बार पूछोगे तुम? क्या हुआ हरी, बोलो ना क्या हुआ है? क्या हुआ है हरी? कुछ नहीं बाबा, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। Come on!
Yeah.
रमा, साल पहले एक रात इसी रोड पर आईने का कारोबार करने वाले एक परिवार की अम्बेसडर कार के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोगों को लगता है कि एक मास्क पहने हुए आदमी ने उन सबको मार दिया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस दूध वाले ने ये सब देखा था उसको भी मार दिया। लोगों को लगता है कि उनकी आत्मा उस जंगल में भटकती है। उस हादसे के बाद कोई भी उस रोड से आता जाता नहीं। रमा! साई, साई, कहाँ है मेरा बेटा? साई, 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 क्या किया मेरे बच्चे के साथ? साई, साई, साई पापा, पापा, साई, मैं ऊपर हूँ, पापा। Yeah.
में से ही। पापा, 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 पापा। रमा, रमा, रमा। कुछ नहीं होगा बेटा, पापा आ गए। रमा! आगे खोलो रमा, उठ जाओ।
डरो मत। पापा मम्मी आ गए से आ गए। मम को क्या हुआ है? पापा पापा बोलिए ना। मम उठो ना। मम उठो ना। मेरा फोन कहाँ है? मम उठो ना। मम यही कहीं पर बच रहा है। कहाँ है? ये रहा। हेलो। हाँ अंकल अंकल। मुझे नहीं पता यहाँ पर हो क्या रहा है। कोई एक मास्क पहना हुआ आदमी हमें मारना चाह रहा है। मरे हुए लोग जिंदा हो जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा वो भूत है या इंसान। से जाने के लिए मना किया था लेकिन माना नहीं ना। 10-15 साल पहले की बात है। एक मास्क पहने हुए आदमी ने एम्बेसडर से जाते हुए एक फैमिली को मार डाला था। उसने उस चश्मदीद दूध वाले को भी मार डाला। फिर भी तुमने उस मरे हुए दूध वाले की बात नहीं सुनी? अरे क्या कह रहे हैं? और तुम यहाँ अपने परिवार के साथ मरने चले आए? तुम मरो
तुम सब जरूर मरोगे। वो यहाँ आ गया, आ गया वो। उसके पास मत देखो रमा। ये ठीक से काम नहीं कर रहा है रमा। हुआ क्या है? लगता है ये सब उस भूत ने ही किया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आनंद, क्या चल रहा है यहाँ? क्या हुआ है मेरे दोस्तों? मेरा मतलब ये है अंकल, कि इस पर बहस नहीं करते हैं प्लीज। मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या हुआ अंकल? क्या बोल रहा है ये? मतलब महाराज क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं पिछले कुछ महीनों से सारा काम संभाल रहा हूँ, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तुम कल सुबह आ जाना, अभी मैं जाता हूँ। ए, तू चुप रहे यार, ज्यादा बोल मत, मैं जाऊंगा, बोला ना। अरे बेटा, ये बोल रहा ना कि जाएगा, तो तुम लोग क्यों जाना चाहते? बिल्कुल सही अंकल, तुम यहीं पर रुको, तुम कल आना, मैं अभी जाऊंगा। Thank you.
रखा है टिक डाइवर्जन, पर लगता नहीं कि ये काम करेगा। हाँ? अरे इधर से क्यों चल रहे हैं, ये रोड सही नहीं लग रहा है मुझे। अरे इस तरफ रास्ता है ना, इसमें चलकर देखते हैं। कुछ तो बोलिए, इन्हें बोलने के लिए बोलिए, तभी कुछ पता लगा सकते हैं। खुद को ही मार रहा हूं। हरी, जिस अननोन सिम के पीछे हम पड़े थे वो तुम्हारे साइट में ही ऑन हुआ और फिर ऑफ हो गया। जो सिम एक्टिवेट हुआ था उसका IMEI नंबर आनंद का है। मैंने जो वीडियो और कॉल रिकॉर्ड रिट्रीव किया है वो मैंने तुम्हें भेज दिया है। सॉरी हरी। अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं, उसे खत्म करना होगा। हे हाय हरी। सुनो, हरी आ चुका है।
क्या हुआ हरी? जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो मैं चाहता हूं तुम्हें भी पता हो। उसे मारना है। रमा,
छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। सर, सर। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भैया, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। मेरे लिए? और मेरा गिफ्ट अपने भाई से मांगो। हे नाइस वॉच। अच्छी लगी आपको? कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, तुम्हारी चॉइस हमेशा अच्छी होती है। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, हरी 11 बजे की मीटिंग के लिए निकल गए हैं। हम दोनों साथ में ही निकले थे, लेकिन वो एक फाइल भूल गया है, उसने लाने को बोला है। ठीक है, आइए। पता है आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ये लीजिए, वो आपका ख्याल रखती है ना? तुमने उसे मेरे लिए चूज किया है, लेकिन वो तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। साथ हूं फिर भी, तुम्हें नहीं पता था और तुम पूरी रात अपनी फैमिली को बचाने के लिए सफर करते रहे। मुझे बस एक ही बात का रिग्रेट है कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी बीवी और बच्चे को सफर करना पड़ा। यूजुअली जब ऐसा कुछ फैमिली के साथ होता है तो कुछ लोग रिएक्ट और अटैक करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पुलिस के पास जाते हैं, पर मैं वो दोनों नहीं करूंगा। मैं चाहे जितना भी प्रेशर या टेंशन में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ पेशेंस के साथ केयरफुली प्लान करके अच्छे से एग्जीक्यूट करूंगा। प्लान बनाने में लगता है बहुत माहिर हो। हाँ?
लगता है सब बहुत चालाकी से किया है। बहुत शातिर हो तुम। चलो मुझे अपना हाथ दिखाओ मुझे। ठीक है फिर आओ मेरे साथ, चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं। आ जाओ। फिर दमाद को बचाने। ये बताओ तुम इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर क्यों जा रहे हो? अंकल हरी के दोस्त का मर्डर हुआ है। दोस्त है तो क्या, उसके लिए तुम इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे? तो किससे इंक्वायरी करूंगा? मैं सब समझता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं की, तो तुम मेरे दामाद के दोस्त का खून करके उसे दोषी बनाकर ले जाना चाहते हो क्या भाई? यही बात है ना? हाँ सुनो, इस फोन में क्या है? अगर मैं अपने दामाद के लिए नहीं खड़ा रहूंगा तो कौन रहेगा? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, मैं आईजी से बात करता हूँ। अंकल सर, 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 क्या हुआ? अभी तक तुम कहाँ थे? जाओ उससे बात करो। क्या हुआ सर? सर विक्टिम ने एक एविडेंस छोड़ा है, उसने भूत के बारे में कुछ सुना था। अंकल अंकल ये मुझे मार डालेगा अंकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये इंसान है कि भूत है? अंकल मुझे बचाओ अंकल। ए रामलिंगम ये क्या बकवास है? सर क्या हुआ सर? ये लो और जाओ यहाँ से, चलो जाओ। ठीक है सर। ए बेवकूफ, तुम अपना गुस्सा इस पर क्यों उतार रहे हो? मेरा गुस्सा उतार रहे हो क्या? अंकल इंक्वायरी करना हमारा फर्ज है, आपको तो पता है ना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत हो गई तुम्हारी ड्यूटी। जी आपसे कहा ना चलो। अंकल क्या हुआ? मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। गलत लोगों को हर चीज गलत ही नजर आती है। सही नहीं देख सकते तो डॉक्टर के पास जाओ। बेटी रमा आनंद की बीवी के साथ तुम भी जाओ, पुलिस वालों को छोड़ो और तुम लोग जाओ यहाँ से। रामालिंगम सर यहाँ हो तुम? सर एक काम करो, इसकी फिंगरप्रिंट्स के लिए पूरी कार को तुम चेक करो, ठीक है सर? जरूर इसी ने यह खून किया होगा। ये सब भूल जाओ बेटा। अच्छा तुमने अपने फ्रेंड के घर वालों को बता दिया? लेकिन क्यों? अरे कम से कम मुझे तो बता सकते थे ना। हमारे साथ जो हुआ हम उसका बदला लेना चाहते थे, वो भी रमा खुद करना चाहते थे। इन केस अगर कुछ गलती हो जाती तो आप हमारे साथ हो, बस वही चीज हमें कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब तो ठीक है, पर तुमने कार के ऊपर बहुत पेट्रोल डाल दिया था, ऊपर से आके गोले फेंक रहे थे, उसे अगर वो नहीं रोकता तो कार जल जाती ना। वो पेट्रोल जैसा स्मेल करने वाला एक लिक्विड है, पेट्रोल नहीं है। ओह तुमने सारे सबूत जला दिए ना? हाँ जला दिया सर। और वो जो पोस्टर था उसे? हाँ उसे भी जला दिया सर। और जो रस्सी झूल रही थी उसे? हाँ सर उसे भी जला दिया। और वो जो आग के गोले थे क्या तुमने उसे भी जला दिया? सर वो अरे निकम्मो उसे भी फेंको। मैं सब चेक कर लूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है। कार से सारे फिंगरप्रिंट्स हटाने के लिए मैंने तुम्हें एक लिक्विड दी थी, तुमने उसे भी मिटा दिया ना? सब साफ हाँ, कर दिया सर। कार से ही मिटाया ना? हाँ सर। अगर तुम कोई भी एविडेंस जलाना भूल गए ना तो याद रखना तुम दोनों भी एक एविडेंस हो, मैं तुम्हें भी जला दूंगा। अरे सर सब जलाओ जल्दी। ठीक है सर। सब कुछ ठीक है अंकल। देखिए विक्टिम तो कोई और है, पर आप मेरे एंगल से कहानी क्यों नहीं सुनना चाहते थे अंकल? दामाद जी तुमने जो ये खून किया एक स्ट्रेंजर बन के किया, तुम्हें लगता है कि सारे सबूत मिट चुके हैं और हमने कुछ भी मिस नहीं किया है, लेकिन अगर तुम विक्टिम के एंगल से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कुछ मिस किया है या नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे एंगल से कहानी जानना चाहता था ताकि तुम पर कोई आंच ना आने पाए। कुछ भी हो जाए बेटा तुम पकड़े नहीं जाते। मेरी बात समझ गया ना? बोलिए सर।
रामलिंगम, क्या तुम लोगों को भी इस पे यकीन है? सर, हमें ऑडियो एविडेंस मिला है सर, इस बेवकूफ ने खुद ही बोला है। क्या कोई आई विटनेस है?